बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीडियो। आई डी 430 लेसन नंबर 22 है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम। ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं क्वेश्चन के सीआरएम स्टैंड फॉर, तो फर्स्ट लाइन में इसका एमसीक्यूज बनता है। आई लाइक टू स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ कंपनीज कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो कोई कंपनी है उसके जितने भी कस्टमर सर्विस सॉल्यूशंस हैं उन सबको जब सम किया जाता है तो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। जितने भी कंपनी के कस्टमर सर्विस सॉल्यूशंस हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, एक सीआरएम बनाते हैं। इट प्रोवाइड फास्ट एंड इफेक्टिव सर्विस टू कस्टमर एंड इंश्योर दैट करेक्टिव मेजर्स आर रेडी इन प्लेस। सीआरएम के थ्रू क्या होता है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को, कोई इशू है, तो सीआरएम के थ्रू उसको फास्ट और इफेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। सीआरएम में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सबसे पहले आ जाता है इसमें कॉल हैंडलिंग। जब भी हमें भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, हमने कोई भी ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर किया, कोई प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया, हमें पर चीज़ें उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम दोबारा उस इशू हम रिजॉल्व करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। सीआरएम में कस्टमर सर्विस में हम कॉल करते हैं कि हमारा ये इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे क्या है, कॉल हैंडल करते हैं। उसके बाद सेल ट्रैकिंग, जो भी ऑर्डर किया है वो किस इधर है, लाइक अगर किसी कस्टमर ने पूछ लिया कि मेरा प्रोडक्ट था एज मैंने ऑर्डर प्लेस किया अभी रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं करते हैं, इसके थ्रू सेल्स भी प्रॉपरली ट्रैक करते हैं। और लास्ट में क्या आ जाती है, ट्रांजेक्शन सपोर्ट। ट्रांजेक्शन सपोर्ट जो लाइक जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं, इसमें वो चीज़ें जाते हैं। तो तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं सीआरएम में, सबसे पहले कॉल हैंडलिंग, सेकंड सेल्स ट्रैकिंग एंड द लास्ट वन इज ट्रांजेक्शन सपोर्ट। थ्री टूल्स कैन बी यूज टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। तीन चीज़ तो पहले आ गई, अब नेक्स्ट भी क्या है, थ्री टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर सर्विस को, जिसमें फर्स्ट टू कौन सा है, लॉग फाइल एनालिसिस, सेकंड टूल है कुकीज और थर्ड है डाटा माइनिंग। अंडर सीआरएम सिस्टम कॉल सेंटर्स कैन बी सेट अप हैविंग कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेशन हो, कैन बी रीच थ्रू फोन, ईमेल्स और ऑनलाइन चैटिंग। सब मैंने पहले बताया है कि जब भी कोई हमें प्रॉब्लम आ रहा होता है तो हम कॉल के थ्रू क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर कॉल सेंटर्स होते हैं जो हैंडल करते हैं कस्टमर की क्यूरीज को, अब जो कस्टमर सर्विस हैं उसको, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हैंडल करते हैं कस्टमर्स कितनी भी दूरी जाते हैं। अब इसमें फ़ोन के थ्रू वो करते हैं, ईमेल्स के थ्रू भी करते हैं, हमने ईमेल किया हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी, हम उनके जो ईमेल वन होता है कस्टमर सर्विस का उस मेल करते हैं प्रॉपरली वो रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन चैटिंग आ जाती है, व्हाट्सएप पर हम उनसे कॉन्टेक्ट किया है तो प्रॉपर उन्हें हमें रिस्पॉन्स करती है, सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सीआरएम में। अब जो ऊपर मेंशन था ना कि थ्री टूल यूज होते हैं इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर सर्विस को, फर्स्ट था लॉग फाइल, सेकंड कुकीज़ था और थर्ड था डाटा माइनिंग। अब फर्स्ट टू स्टडी करते हैं लॉग फाइल। लॉग फाइल इसमें करती हैं जब भी किसी यूज़र ने डाटा किसी जब भी किसी यूज़र ने वेबसाइट को विजिट किया है तो उसका क्या होता है, ऑटोमेटिकली डाटा जनरेट हो जाता है। हम गूगल पर देख कोई वेबसाइट है, किसी भी ब्रांड की है, एक कॉमर्स वेबसाइट, हमने उसको सर्च किया, हमने विजिट किया उस वेबसाइट पे, तो क्या हुआ, लॉग फाइल्स जनरेट हुई, कंसिस्ट हुई, डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब उसने क्या किया, यूज़र या आई पी एड्रेस सेट किया, यूज़र की लोकेशन सेट की, यूज़र का टाइम ऑफ विजिट, किस टाइम पे यूज़र ने विजिट किया था और कितनी मरतबा उसने विजिट किया। जैसे आप एक वेबसाइट पे आपको 5 से 6 मरतबा विजिट कर रहे हैं तो हर मरतबा वो आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिट्स के, आपने कितनी मरतबा विजिट किया उसको भी कैलकुलेट करेगा, आपका विजिटिंग टाइम हर मरतबा, आप जो आई पी एड्रेस है और आपकी जो लोकेशन है वो हर मरतबा इसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, और फिर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपकी जितनी विजिट किया वो उसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा। सेकेंड पे कुकीज़ में क्या होता है कि
जब भी कोई विजिटर विजिट करता है ई कॉमर्स वेबसाइट तो उसका जो भी बिहेवियर होता है, जो भी बड़ा टास्क परफॉर्म करता है, उसने फॉर्म फिल किया, कुछ भी किया, वो हर चीज़ को वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेता है। दे कैन बी यूज टू ट्रैक कस्टमर ऑनलाइन एंड डू पर्सनलाइजेशन। मैनी कस्टमर डू नॉट नो दैट देयर इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द ई कॉमर्स साइट। अब इसमें क्या होता है, जब भी मोस्टली नहीं पता होता हम किसी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, हमें इसी का आइडिया नहीं होता कि हमारी प्राइवेसी जा रही है, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उनके सर्वर पर ऑटोमेटिकली सेव हो रही है। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम आता है कि जो कस्टमर का जो राइट्स है ना प्राइवेसी का, प्राइवेसी जो कस्टमर की ऑटोमेटिकली खत्म हो रही है, क्योंकि कस्टमर्स को पता नहीं होता कि मेरा डाटा यहाँ पर सेव हो रहा है, मेरा आईपी एड्रेस, मेरी बाकी डिटेल, मेरी लोकेशन यहाँ पर सेव हो रही है उनके सर्वर पर। नेक्स्ट आ जाता है गोल्स हैं सीआरएम के, पूछ सकते हैं कि सीआरएम के मेजर गोल्स कहाँ हैं, कौन से हैं। वन मेजर गोल है सीआरएम का कि इसके थ्रू क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, एस्टैब्लिश होता है कंपनी और उसके कस्टमर के दरमियान में सीआरएम के थ्रू। गुड कस्टमर सर्विस एंड help in building a sense of loyalty to our company and its products or services. कोई प्रॉब्लम आई हमें किसी भी अपने ऑर्डर में के हमने ऑर्डर किया, हमें प्रॉब्लम आई, ऑर्डर डिलीवर हुआ, कोई ना कोई इशू आ जाता है, अब हमने कस्टमर सर्विस पे कॉल की, मैसेज किया या ईमेल कुछ भी हमने किया, अगर हमें उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, हमारा जो इशू है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, हमारे लिए फिर होगा ना ठीक है, उन्होंने हमारा ही काम अच्छे से किया। तो एक जो ट्रस्ट होता है कस्टमर का उस कंपनी पे, उसके प्रोडक्ट पे हो जाता है, इनका कस्टमर सर्विस जो है, जो भी मेंबर्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर हर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन जाता है, दोबारा फिर जो कस्टमर होता है वो उसी कंपनी के पास जाता है। लेकिन अगर आगे जो कस्टमर सर्विस वाले एम्प्लॉइज होंगे वही प्रॉपर परफॉर्म नहीं करें तो बैड फीडबैक आएगा, उससे क्या होता है कि जितना भी जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है वो नहीं बनता, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोबारा से कस्टमर उस कंपनी के पास ही जाता है, वो प्रोडक्ट परचेज करता है। तो इसमें क्या एडवांटेज है कि जो कस्टमर सर्विस है वो क्या हेल्प करता है बिल्ड करने में सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड कंपनी एंड इट प्रोडक्ट। एक्सपर्ट ने क्या पॉइंट की, 5 stages ऑफ लॉयल्टी एज कस्टमर रिलेशनशिप। अब कितनी स्टेज ऑफ लॉयल्टी है, 5, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि 5 stages कौन कौन सी हैं। अब फर्स्ट 4 जो स्टेजेस हैं लॉयल्टी एज कस्टमर रिलेशनशिप की, वो क्या करती हैं, इंटेंशन ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीज एज कस्टमर मूव्स टू द फर्स्ट 4। अब फर्स्ट से 4th कस्टमर जब मूव किया तो उसमें क्या हुआ, जो इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप की कंपनी और कस्टमर के दरमियान या प्रोडक्ट और कस्टमर के दरमियान वो इंक्रीज हो गई। लेकिन जब वो 5th स्टेज पर आया, कस्टमर जब 5th स्टेज पर पहुंचा तो क्या हुआ, डिक्लाइन कर हुआ और जो कंपनी और कस्टमर का रिलेशनशिप था वो टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे एक ग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है लेवल ऑफ इंटेंसिटी, फर्स्ट कौन सा है अवेयरनेस है, सेकंड एक्सप्लोरेशन, थर्ड फैमिलियरिटी, फोर्थ पे आ जाता है कमिटमेंट एंड लास्ट वन इज सेपरेशन। इसके पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं और इनकी डिटेल भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर लॉन्ग शॉर्ट और सब्जेक्टिव नो पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट आ जाता है अवेयरनेस, इसे क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर कस्टमर रिकॉग्नाइज करता है कंपनी का नेम और उसके प्रोडक्ट का, और इस स्टेज से पहले कस्टमर कंपनी उसके प्रोडक्ट से अवेयर नहीं होता, कोई भी उनका इंट्रैक्शन नहीं हुआ, ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकेंड आ जाता है एक्सप्लोरेशन, एट द स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन अ पोटेंशियल कस्टमर नो मोर अबाउट द कंपनी और इट्स प्रोडक्ट्स, फॉर इंस्टेंस मे हैव विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड हैव एक्सचेंज एनी इंफॉर्मेशन विद इट। अब एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि अवेयरनेस हो गई कस्टमर को कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, एक्सप्लोरेशन क्या होता है कस्टमर साइट विजिट करता है, उनकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता है, डिटेल देखता है कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, और भी क्या कर सकते हैं उन इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फाइनली कस्टमर हैव कंप्लीट सेवरल बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द कंपनी एंड
no policies regarding refund privacy of information and discounts. अब फैमिलियरिटी में क्या होता है, इसमें एग्जांपल दे रही हूँ. कोई भी ब्रांड है उसे ऑफर किया, उससे पहले क्या हुआ, कस्टमर ने काफ़ी ज़्यादा परचेज की, ट्रांजेक्शन की, कोई भी इशू आया उसका वो रिजॉल्व हो गया. इसमें उसको काफ़ी ज़्यादा फैमिलियरिटी हो गई है, सारा ट्रांजेक्शन वो कर चुका है कस्टमर कंपनी के साथ. अब इसमें क्या होता है, फैमिलियरिटी में आके उसको पता होता है कि रिफंड अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या पेमेंट रिफंड हो जाएगी, कोई भी प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको रिजॉल्व करवाते हैं, डिस्काउंट ऑफर होते हैं किसी भी ब्रांड या ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो वो कस्टमर को पता होता है, इतनी उसको फैमिलियरिटी हो जाती है उस कंपनी के बारे में, उस ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में. नेक्स्ट आ जा रहा है फोर्थ, कमिटमेंट. हैविंग कंप्लीटेड नंबर ऑफ सैटिस्फैक्टरी ट्रांजैक्शंस, सम कस्टमर्स मे हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी और प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट और ब्रांड ऑफ अ कंपनी. अब इनमें क्या होता है, कमिटमेंट में कि सारी ट्रांजेक्शन की सारी सारी ट्रांजेक्शन जितने भी ऑर्डर किया, प्रोडक्ट रिसीव हुआ, सारा उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स थे वो अच्छी क्वालिटी में थे, कस्टमर का एक जो लॉयल्टी ट्रस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि जिस ब्रांड को जिस वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा अच्छी उसका एक ट्रस्ट था वो यहाँ पर इस लेवल पर क्रिएट हो जाता है. और क्या होता है, जब एक रेगुलर कस्टमर बन जाए तो कंपनी उसको ना कुछ कंसेशन भी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट आता है सेपरेशन. आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम बोस कंडीशन अवर विच अ वैल्यूएबल कस्टमर रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश माइट बी चेंज, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर फ्यूचर में इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप होते हैं उसे एस्टैब्लिश करने के लिए कोई ना चेंजेस आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर क्या होता है फिर आगे जाकर ज़्यादा उसे एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, वो मजीद सेटिस्फाई नहीं रहता प्रोडक्ट क्वालिटी से, कस्टमर सर्विस से, उसको ये लगता है कि इतने साल से मैं यूज़ करता हूँ ये प्रोडक्ट, पहले भी वही चीज़ थी, अभी ये चीज़ आ गया, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही, तो इसलिए क्या होता है उनका जो रिलेशन होता है कस्टमर का और कंपनी का ख़त्म हो जाता है. लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन, दिस फाइव स्टेजेस आर आल्सो कॉल्ड कस्टमर लाइफ साइकिल. अब दो तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक कस्टमर लाइफ साइकिल के बारे में पूछ लिया जाता है कौन सा है, और उसके अलावा क्या है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लॉयल्टी, फाइव स्टेजेस ऑफ लॉयल्टी कौन सी कस्टमर की, इससे भी ये पूछा जा सकता है या फिर इसको मॉडिफाई करके लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आंसर क्या है सेम है. टू बी मार्केटिंग ऑन ऑफर, इसमें किस चीज़ को स्टडी करेंगे, बी टू सी एंड बी टू बी, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस. फॉर इफेक्टिव सीआरएम इट इज नेसेसरी दैट देयर इज अ कंप्लीट इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेप्स इन अ कस्टमर ट्रांजैक्शन, सो द प्रोसेस ऑफ सेलिंग बाइंग मार्केटिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑपरेशंस शुड बी फुली लिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. अब बी टू बी मार्केटिंग वेबसाइट, इसमें क्या जा रही टॉपिक में कि कंप्लीट इंटीग्रेशन होनी चाहिए कस्टमर के ट्रांजैक्शन के दरमियान, कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट सेल करना, उसने बाय किया, उसकी मार्केटिंग हुई, जितनी भी ये प्रोसेस हैं परफॉर्म हो रहे हैं, चेकआउट तक ऑर्डर तक प्रॉपर क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक हो, इंटीग्रेट हुए एक दूसरे के साथ. अब यहाँ पर डिफरेंस नेक्स्ट पैराग्राफ में की डिफरेंस बिटवीन बी टू सी एंड बी टू बी, बिजनेस टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेस टू बिजनेस में क्या डिफरेंस है, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस जो कंपनी है उसका डायरेक्टली एंड यूजर्स के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता, जो फीडबैक यूजर देना चाह रहे हैं, कंज्यूमर जो फीडबैक देना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली कंपनी को नहीं दे सकते. लेकिन बी टू सी में क्या होता है कि कंपनी का डायरेक्टली एंड यूजर के साथ कॉन्टैक्ट होता है, उनके साथ वो फीड से वो फीडबैक लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट उन्होंने अगर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इन क्वालिटी जो जो है उसको इम्प्रूव करना है, सारा कुछ उन फीडबैक के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस में ऐसा नहीं होता. इसलिए क्या बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर्स, इन दोनों का जो मार्केटिंग का वे है वो एक दूसरे से डिफरेंस है.
National Sanitation. A search engine is a program that scans websites and forms a list of relevant sites based on keyword or other search engine's ranking area. Search engine में क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट्स को स्कैन करता है और उनकी लिस्ट जो है एक प्रिपेयर करता है किसकी बेस पर, कीवर्ड्स बेस पे और सर्च इंजन रैंक के, वो वेबसाइट जो है सर्च इंजन में किस जगह पर रैंक कर रही है, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको किस हद तक सर्च किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है स्कैन करके वेबसाइट को सर्च इंजन एक लिस्ट प्रिपेयर करता है। इट अलाउ पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इससे क्या होता है कि जो पीपल का पीपल जिस एरिया में आ रहे होते हैं लोकेशन वाइज कंट्री वाइज, तो उसमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन को फाइंड करता है तो उसका जो भी इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने कोई भी इसी एग्जांपल में देती हूँ, अगर हमने कोई भी अपने अराउंड नियरेस्ट प्लेस फाइंड कर लिया किसी फूड पॉइंट की या किसी भी हॉस्पिटल की, जब हम लिखेंगे हमारे सिटी के अंदर के जितने भी हॉस्पिटल होंगे या फूड पॉइंट होंगे, मैं वो डिस्प्ले ना कि हमें पूरी कंट्री के या पूरे वर्ल्ड के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो डिस्प्ले नहीं होते, तो वो इस तरह से डाटा सॉर्ट आउट किया होता है, प्रॉपर लिस्ट नहीं भी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करें डाटा सर्च इंजन में डिस्प्ले करवा देता है। एज अ मार्केटर आफ्टर यू हैव लॉन्च योर ई कॉमर्स वेबसाइट यू शुड फर्स्ट लुक फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम विद पॉपुलर सर्च इंजन सो दैट योर साइट अपीयर्स एज और जिसे जो समझ नहीं आ रही मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।